रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 फॉर क्लास 10th उर्दू। और आज हमारा जो शेर है वो शेर नंबर 7 है। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैदा किया जिसने। यहाँ पे जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है बशर। यहाँ पे बशर से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद इंसान है। फितरत इस्लाम, इस्लाम की फितरत पर शैदा, आशिक कुर्बान होने वाला, मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब बारी तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरी की तरफ बढ़ेंगे। हफीज़ जालंधरी खाली के कायनात की हमदो सना बयान करते हुए तशरी तलब शेर के पहले मिसरा में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाता है, जिसकी वजाहत फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, जो बच्चा भी पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी और मजूसी बना देते हैं। और अल्लाह के नज़दीक भी पसंदीदा दीन इस्लाम है। इरशाद बारी ताला है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन हक और मकबूल अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही है। मज़हब इस्लाम ही अल्लाह का महबूब दीन है। इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। ये इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है, क्योंकि जो इंसान भी पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पर ही पैदा होता है। इसी इंसान की फितरत की तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया है, अपना मुँह सबसे मोड़ कर दीन की तरफ कर लो, यानी वो यही वो फितरत है जिस पर खुदा ने लोगों को पैदा किया। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तख्लीक फरमाई और फिर अपनी तमाम मखलूकात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने का दर्स भी दिया। बकौल मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक शेर में वो अर्ज़ करते हैं, न जब तक कट मरूँ मैं खा जाए यसरब की हुरमत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। अल्लामा इकबाल भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को आम करने का दर्स इस तरह से दे रहे हैं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस में मोहम्मद से उजाला कर दे। असल में शायर हमें मकसद तख्लीक कायनात बता रहे हैं कि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के रंगो नूर का ये सिला सिर्फ अपने महबूब के लिए लगाया है, ये मेला सिर्फ अपने महबूब के लिए लगाया है। इसीलिए अल्लाह ताला ईमान वालों से इस तरह से मुखातिब है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत यानी दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों रहमत या दुरूद यानी दुरूद भेजो उन पर और सलाम भेजो सलाम कहकर। और यहाँ पे एक शेर भी है इसकी तशरीह में, आप लिख सकते हैं, कामिल नहीं किसी का भी ईमान तेरे बगैर, है रहमत खुदा भी गुरेजा तेरे बगैर। तो हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।